मैं सोचता हूं कि मैं एक आई एम अ लेबर, आई एम अ वर्कर एंड आई हैव टू डू माय जॉब. ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है. और ये जो लेबल्स हैं जो वेरी लविंगली द पीपल हैव बिस्टोर्ड ऑन मी, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर इट, आई थैंक देम, आई एम वेरी हम्बली आई एक्सेप्ट इट. लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं तो आई डोंट वेक अप लाइक अ सुपरस्टार. आई डोंट नो व्हाट इट इज टू फील लाइक हाउ यू वेक अप लाइक अ सुपरस्टार और हाउ यू लव योर चिल्ड्रन लाइक अ सुपरस्टार और हाउ यू आर यू नो गुड फ्रेंड और अ गुड ह्यूमन बीइंग लाइक अ सुपरस्टार. ये मतलब उसका कुछ मायना कुछ आई डोंट, इट मेक्स नो सेंस. जो फिल्म्स है, जो ग्लैमर है, जो ये एड्यूलेशन है, ये एक एक्सटीरियर है और अंदर से वी आर ऑल द सेम. एक मौका था जब आई थॉट माय फादर वाज डूइंग यू नो ही इज नॉट फेयर, इज नॉट राइट, बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी थिंग्स दैट दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज नॉट योर कार. यू वांट योर कार, यू वांट योर हाउस, यू हैव टू गो अर्न योर ओन. तो ये सब जब एक एज अ सन व्हेन आई यूज्ड टू हियर, आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री एट हिम एंड बट इट इंस्टिल द राइट. ही वॉज अ हार्ड मैन and I thank him for being hard on me because it's made me the person I am. When you have kids it's unconditional love. You True. realize ke unconditional love kya 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 hota hai abhi jo bhi ho. Correct. The love that you have for your children and usse seekh ke you can actually then you know create that unconditional love in your life. Correct. With all the people you all love. The people. Very but true. I'm very I'm full of gratitude and I'm very happy that I have two beautiful, healthy boys, and they have taught me a lot. Jab camera par jab koi when the director tells me to smile a bit more, I have someone to think of. I have my children to think of, so it's nice. Agar do log passionately are working towards one singular goal, then it is very. It is fun to battle each other in their thoughts and let the better thought win. I have the love of the purest form of love. Correct. Is the children's love. Correct. Agar wo is you know I'm blessed with that, then then I'm a happy man. I'm I don't have to think about kya hai kuch. I must be doing something. Maybe it's, this is just the person I am. I don't know. मेरे brain में एक leak था, so the blood started to leak. और जब मुझे पेन हुआ आफ्टर स्टंट विच आई डिड फॉर बैंग बैंग, जब पहले मुझे पेन हुआ तो एक सर में दर्द था. मैंने शूटिंग की उस फिल्म के लिए फॉर 10 डेज. उसके बाद जब मैं घर आया तो आई हैड टू कम बैक हियर फॉर द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ क्रिश और 3 दिन के अंदर आई हैड टू फ्लाई बैक फॉर बैंग बैंग टू ग्रीस. तो आई डिड अ सीटी स्कैन और सीटी स्कैन वॉज एब्सोल्युटली क्लियर. अच्छा कुछ नहीं आया. साइंस टोल्ड मी अगेन दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन. हेल एंड हार्टी. मैं बोला ठीक है चलो मैं नाउ आई एम लेफ्ट ऑन माई ओन. तो मैं करता गया. आई वेंट टू ग्रीस. आई डिड माय हेडेक इज गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स. तो 2 महीने आई लिव लाइक दैट. और मैं अपने जिम में था और मैं सोच रहा था कि यार इतना एक्शन है अभी और आई एम नॉट फीलिंग. आई कांट टर्न माय हेड. यू नो आई कांट फील द पावर. आई कांट जंप. हैव यू नो आई एम नॉट माय डाइट इज गुड. माय एवरीथिंग इज गुड. तो ये क्या बात है. तो आई इमीडिएटली आई ऑर्गेनाइज वन मोर स्कैन के 8 घंटे में मेरी फ्लाइट थी टू प्राग. I said ये फ्लाइट के पहले आई हैव टू चेक दिस आउट. और तब जब चेक किया मैंने तो इट शोड कि मेरा जो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है पूरा का पूरा यहां से यहां तक इट वॉज फुल ऑफ ब्लड एंड स्कैन शोड दैट एंड मेरा जो ब्रेन है इट हैड शिफ्टेड टू द राइट लाइक दैट बिकॉज इट वॉज फिल्ड विद ब्लड ऑन वन साइड सो इट हैड शिफ्टेड द ब्रेन. तो द डॉक्टर्स गॉट कंप्लीटली अघास्ट. दे सेड यू हैव टू गेट ऑपरेटेड राइट नाउ. मैंने कहा कि 8 घंटे में मेरी फ्लाइट है क्या मैं ये शेड्यूल करके मैं आ सकता हूँ. बोला कि इफ यू टेक दिस फ्लाइट यू विल पास इनटू अ कोमा एंड देन फ्रॉम देयर टू कम बैक इज 50-50. ओह माय गॉड. अच्छा चलो ये बात है तो देन आई हैव टू कैंसिल दिस फ्लाइट. ठीक है तो व्हाट डू वी हैव टू डू. तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू ड्रिल होल इन योर ब्रेन एंड लेट द अलाउ द ब्लड टू कम आउट. तो आई सेड ओके. मैं अकेला था और पता नहीं क्या कहां से कैसे बात फैली और माय मॉम केम, सुजैन केम, माय डैड केम. और तब उनके चेहरे को देखकर तो मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू बी द सुपर हीरो. आई एक्चुअली सॉ ब्लड स्क्वर्ट आउट ऑफ माय ब्रेन बाय 3 फीट.
आई थिंक ये सब एक एटीट्यूड और एक परसेप्शन की बात है. अगर आप ये सोचा कि मेरे ब्रेन में अभी एक होल होगा, पीपल आर गोइंग टू एंटर द ब्रेन, आई एम गोइंग टू बी अवेक, इट्स गोइंग टू बी सो स्कैरी, लेकिन करना तो है ना, यू हैव टू गो थ्रू इट, नो व्हाई नॉट एंजॉय इट.